दिसंबर को होने वाले पंचायत के चुनाव में नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद हाईकोर्ट द्वारा रद्द हुए नामांकन पत्रों की दोबारा जांच किए जाने के फैसले के बाद चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों में दोबारा खलबली पैदा हो गई है। सोमवार को आए आदेश के बाद बनाए गए नामांकन केंद्रों के बाहर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। ये भीड़ उन लोगों की थी जो पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते थे, परंतु उनके नामांकन पत्र किसी कारण रद्द कर दिए गए थे। दूसरी तरफ जिला चुनाव अधिकारी कम एडीसी गुरमीत सिंह मुल्तानी ने बताया, असल जो देश है कि अजे तक ना लोकां वास्ते है। देखो पहला मानजोग पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट दे आदेश आई सी कि 200 पटीशनर्स ने अपनी पटीशन फाइल की है, तो उहदे विच 105 जिहड़े पटीशनर्स ने उन्होंने जिहड़ी है केस दे विच ऑर्डर पास किए ने मानजोग कोर्ट ने कि जे किसी नूं रिटर्निंग ऑफिसर दे डिसीजन दे विरुद्ध कोई गिला है जां उन्हां दी कोई कंप्लेंट है तो अपने जिहड़ा हैगा अपना रिटर्न जिहड़ा है ऑब्जेक्शन दोबारा रेज कर सकदे ने एंड रिटर्निंग ऑफिसर वुड डिसाइड इट ऑन मैरिट इहदे च की स्पीकिंग ऑर्डर पास करदे ने। लेकिन 24/5 नूं शाम नूं इक ऑर्डर जिहड़ा हैगा मानजोग पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट दा आया, रिट पटीशन नंबर 40450 हैगी है ऑफ 2018 बघेल सिंह वर्सिज स्टेट ऑफ पंजाब। उहदे विच इह सारिआं नूं आदेश दित्ता गया हैगा वी जिहड़े बाकी जिहड़े पटीशनर तों इलावा जिहड़े बाकी लोक ने जिन्हां नूं कोई जिहड़े अग्रीव्ड पार्टी ने किसी भी डिसीजन दे अगेंस्ट जो भी डिसीजन जिहड़ा रिटर्निंग अफसर वल्लों उहनां दे केस च लिया गया हैगा उह दुबारा मानजोग डीसी साहब कोल आण के ते मानजोग हाईकोर्ट दे ऑर्डरां दे मुताबिक अनुसार जे अपना कोई जिहड़ा है उह कंप्लेंट जां उहनां नूं कोई शिकवा जां गिला है जां उहनां दा कोई इतराज़ है तां उह दुबारा अपनी एप्लीकेशन दे के वो अपनी सुनवाई करवा सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर उन्होंने कंसर्न कंपीटेंट अथॉरिटी रिटर्निंग ऑफिसर्स ने उन्हें को भेजेगा और वो सारे उन्होंने सुन के तो उन्होंने एप्लीकेशन देख के उसके स्पीकिंग ऑर्डर पास कर और ये स्पीकिंग ऑर्डर जोड़ा है वो 48 आवर्स फ्रॉम द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन जो पास होना। सर जी सिंपल शब्द की गल की जाए कह सकते हैं जिन्हें नोमीनेशन रद्द होया वो दोबारा अपनी मतलब अपील कर सकते गल कर सकते हाँ अपील नहीं है कोई नवा नोमीनेशन फार्म नहीं भर सकते लेकिन वो लिख के अपना इतराज जरूर दे सकते हैं भी जिस जो उन्होंने इतराज है भी साडा जिहड़ा नोमीनेशन पेपर किस ग्राउंड से रिजेक्ट होया और वो ग्राउंड सही सी कि नहीं वो संबंधित रिटर्निंग अफसर ही कंपीटेंट है भी वो सारा नोमीनेशन देख के वो देखे भी वैदर इन्हों का इतराज सही है कि गलत है सर जिन्होंने अपना फैसला जिहड़ा इस मुताबिक रिव्यू कर सकता है। लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੇਮ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਸਟ ਅਫਵਾਹ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਗਿਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਰੋ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਸ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਨ ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।